नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं वाचन पाठ चार। तो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा चार की पाठ्य पुस्तिका से हम आज पाठ चार, जिसका नाम है सर्दी आई। बच्चों, ये कविता है और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण पाठ का जो है वाचन करेंगे, रीडिंग करेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों, सर्दी आई इस कविता का जो है हमें उद्देश्य जानना है। इस कविता के लिखने का उद्देश्य क्या है बच्चों? क्योंकि भारत में सामान्य रूप से 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, यानी 6 तरह के मौसम पाए जाते हैं। वैसे तो हम 4 मौसम की ही ज़्यादा बात करते हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा और बसंत का। तो बच्चों, जब सर्दी का मौसम आता है तो हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं? जब सर्दी आती है तो हम किस तरह का जो है माहौल चारों तरफ देखते हैं, वातावरण कैसा हो जाता है, सभी जीवों में उसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है सर्दी का, लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से घूमते हैं और उसका सर्दी का किस तरह से अनुभव करते हैं सभी, तो वो सब इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है कि सर्दी के मौसम में जो है, सर्दी की ऋतु में हमें कैसा अनुभव होता है, क्या एहसास होता है, ये जो है इस तरह से जो है हमें इस कविता के माध्यम से जानने को मिलता है। कविता का उद्देश्य है बच्चों, सर्दी के मौसम की जानकारी देना कि सर्दी का मौसम जब आता है तो हमें हमारे मन में हमारे दिलों को क्या जो है, कैसा अनुभव होता है, क्या एहसास होता है, वो जो है इस कविता के माध्यम से हमें जानकारी दी गई है। तो आइए बच्चों, हम सर्वप्रथम वाचन शुरू करते हैं। एक एक शब्द को अच्छी तरह से, एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। पहला शब्द है सर्दी। सर्दी आई, सर्दी आई, सर्दी आई, सर्दी आई। ठंड की पहने वर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, सबने लादे ढेर से कपड़े, ढेर से कपड़े। चाहे दुबले, चाहे दुबले, चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सिकुड़ी सी कुड़ी, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँप रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं।
आइए बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छांव में बैठें तो भी सर्दी। धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छांव में बैठें तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, बाहर 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 सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। ये ऊपर जो उड़ने वाला रा लगा है उड़नता रा, उससे रहा दोनों दा के बीच में रा का उच्चार बेदर दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर दी। आइए बच्चों एक बार फिर से जो है संपूर्ण कविता को जो है हम पढ़ेंगे। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई, सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुर्बल चाहे तगड़े, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सिकड़ी सबकी चाल हो गई, ठिठुर रहे हैं कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं हांफ रहे हैं, ठिठुर रहे हैं कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं हांफ रहे हैं। अब दूसरे पेज में बच्चों देखेंगे। धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छांव में बैठें तो भी सर्दी। धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छांव में बैठें तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो इस तरह से बच्चों ये संपूर्ण कविता जो आप देख रहे हैं, इस कविता को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है बार बार और याद करना है, जो आपको ओरल में काम आएगा। तो आइए बच्चों अब इसके बाद हम जो है इस कविता के संपूर्ण कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे और इसके बाद उनका अर्थ समझेंगे। बच्चों सर्दी पहला शब्द है, सर्दी। सर्दी मतलब जाड़े का या ठंड का मौसम। आई, सर्दी आई, ठंड के मौसम का आना, ठंड आना।
कई मौसम होते हैं हमारे, और भारत में प्रत्येक 2-3 माह में एक मौसम जो है आता है और चला जाता है। हर तीसरे महीने में जो है मौसम बदलने लगता है। सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बरसात आती है, फिर बसंत आता है। इस तरह से 4 मौसम जो है, 4 मौसम का जो है हम एहसास करते हैं अपने देश में। तो सर्दी का मतलब होता है ठंड का मौसम, जाड़े का मौसम। वर्दी, बच्चों ये वर्दी कहते हैं हम, जो हमारे हमारी पुलिस, हमारे जवान जो बॉर्डर में तैनात रहते हैं, जो वो पोशाक पहनते हैं, जो ड्रेस पहनते हैं, उसको हम वर्दी कहते हैं। पुलिस की वर्दी या डॉक्टर की वर्दी। तो वर्दी का मतलब यहाँ बच्चों पोशाक से होता है, कपड़ों से लेकर के। तो वर्दी का मतलब पोशाक, और सर्दी का मतलब ठंड का मौसम। सबने लादे, लादे मीन्स पहने, सबने लादे। लादे का मतलब होता है कि अपने शरीर के ऊपर उस उनको रखा। तो लादे का मतलब होता है पहनना। ढेर से युग्म शब्द है। ढेर से मतलब बहुत से, बहुत से, ढेर से मतलब खूब ज्यादा कपड़े, बहुत से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। दुबले का मतलब पतला, तगड़े का मतलब मोटा। चाहे दुबला हो चाहे पतला हो, चाहे पतला हो और चाहे मोटा हो। नाक सभी की लाल हो गई। बच्चों जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो ठंड की वजह से हमारी नाक जो है वो लाल पड़ जाती है। तो नाक सभी की लाल हो गई। सिकुड़ी, सिकुड़ी मीन्स सिमटी। सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। बच्चे जब ठंड होती है तो हम बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, है ना। कि अरे जेब में हाथ डाल करके बड़े ही आराम से चलते हैं, जल्दी जल्दी नहीं चलते, क्योंकि जल्दी चलने से और हवा लगेगी। जबकि बच्चों जल्दी चलने से जो है शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। तो इसीलिए बच्चों सर्दी के मौसम में लोग ज़्यादा व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हमारी चाल भी कम हो जाती है, यानी सिमट जाती है। सिकुड़ी का मतलब सिमटी। हाँ अपना, हाँफ का मतलब सांस का तेज चलना, तेज सांस का चलना, तेज सांस चलना, इसको हम हाँफना के। जब बच्चों हम दौड़ कर आते हैं कहीं से, भाग कर आते हैं, दौड़ कर आते हैं, तब हमारी सांस बहुत ही तेज तेज चलने लगती है, उसी को हम हाँफना कहते हैं, हाँफ। छाँव, छाँव शब्द है ये। छाँव का मतलब होता है छाया, छाया। बिस्तर, बिस्तर बच्चों जिन कपड़ों में हम लेटते हैं उन्हें हम बिस्तर कहते हैं। वो लेटने वाला हो या ओढ़ने वाला, वो उसे हम बिस्तर कहते हैं। अब बच्चों ये एक शब्द दिख रहा है जर्दी। ये बच्चों उर्दू भाषा का शब्द है जर्दी। जर्दी, अंडे की जम जाए जर्दी। जर्दी का मतलब होता है कि अंडे की अंदर वाली परत। बच्चों जो अंडे का छिकला होता है और उसके अंदर जो अंडे के अंदर जो है जो अंडे के अंदर पदार्थ होता है,
जो लिक्विड टाइप का पदार्थ होता है, छिलके के अंदर वाली जो परत होती है उसको हम जर्दी बोलते हैं, जर्दी। फिर आप देख रहे हैं ठिठुरन, ठिठुरन मीन्स कप कपी, कप कपी, सर्दी से कांपना, उसको कहते हैं ठिठुरन। बहुत ही भयंकर सर्दी में जब हाथ पैर गलने लगते हैं तो शरीर में एक कपकपी होती है, उसी को हम ठिठुरन कहते हैं। बेदर्दी, तो बच्चों बेदर्दी, बेदर्दी यहाँ दो शब्द हैं, बे मीन्स बिना और दर्दी दर्द, बिना दर्द वाला, जिसको कोई तकलीफ ना होती हो किसी दूसरे का दुख देख करके, उसको कहते हैं बेदर्दी, बेपीर या निर्दयी। जो दूसरों पर अत्याचार करता है, दूसरों को कष्ट देता है और उसका उसे तनिक भी पश्चाताप नहीं होता, ऐसे को हम बेदर्दी कहते हैं। इस तरह से ये मौसम भी जो है इतना निर्दयी होता है, बेपीर होता है कि लोगों को देखता है कि वो ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, लेकिन ठंड पड़ती जाती है, कम होने का नाम नहीं लेती। बच्चों हम देख रहे हैं, लिखा है शफदर, शफदर हाशमी, शफदर हाशमी। बच्चों इस कविता की जो है कि मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा शब्द दिखाऊं, लेकिन बाइंडिंग की वजह से इसमें बड़ी की मात्रा लगी है लास्ट में, सफदर हाशमी। तो बच्चों इस कविता के लेखक राइटर हैं सफदर हाशमी। तो बच्चों इस तरह से हमने इस संपूर्ण कविता का वाचन किया और उसका जो है हमने उसके कठिन शब्दों का अर्थ समझा। अब बच्चों यहाँ चित्र देख रहे हैं, सर्दी के मौसम में ज्यादातर लोग कई बार जो है वो गरम गरम चाय पीते हैं ताकि गरम चाय अंदर हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो हम सर्दी कुछ कम हो जाएगी। और लोग टहलते हैं, दौड़ते भी हैं कि दौड़ने से शरीर में कुछ गर्मी उत्पन्न होगी जिससे सर्दी का प्रभाव कुछ कम होगा। और लोग ज़्यादातर आग का सहारा लेते हैं, उस समय लकड़ियों को इकट्ठा करके और आग जलाते हैं और उसके पास में बैठ करके अपने हाथ पांवों को सेकते हैं। जब बच्चों ज़्यादा ठिठुरन हो जाती है, वैसे तो कपड़ों से काम चल जाता है, लेकिन जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो लोग जो है आग का ही सहारा लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से इस कविता के माध्यम से हमने ये जाना कि कविता का उद्देश्य क्या है, कविता में हम क्या क्या करते हैं, लोग क्या क्या करते हैं, कैसा होता है कविता का मौसम, और कविता के मौसम से हमें कैसा एहसास होता है, ठंड के मौसम में कैसा एहसास होता है, ये संपूर्ण बातें हमने जो है कविता के माध्यम से जाने। तो बच्चे इस तरह से ये कविता आपकी जो दो दो लाइनों की है और इसमें इस तरह से 18 जो है लाइनें आपकी पूरी पोइम में, 8
8 लाइनें इस तरफ और 10 लाइनें पेज नंबर 2 में, दूसरे पेज में आपकी 10 लाइनें इस तरह से 18 लाइन की ये कविता है आपकी। तो आप इस कविता को आप याद भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ओरल में आपको जो है ये कविता आपको काम आएगी ओरल में। और सभी कठिन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं याद करने के लिए। सभी कठिन शब्दों का बार बार उच्चारण करिए, और याद करने के लिए, कठिन शब्दों का उच्चारण करने के लिए आप जो है कविता को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। बच्चों, वीडियो में आपको अच्छी तरह से सभी लाइनें दिखाई गई हैं। वीडियो को आप पॉज करके और सभी लाइनों को लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले जो आपको वाचन करवाया है, तो बड़े ही सरल ढंग से, आसानी से आपको सभी शब्द समझाए हैं, और अच्छी तरह से उस सभी लाइनों को मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया है। आप वहाँ से जो है वीडियो को पॉज करके कविता को कॉपी में जरूर लिख लिया करें। इससे क्या होगा, आपकी हैंडराइटिंग, आपका लेख सही होगा और आपको कविता जल्दी याद हो जाएगी, कठिन शब्द अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस कविता के अर्थ को जानेंगे, अनुवाद करेंगे इस कविता का, और आगे के अभ्यास कार्यों की भी चर्चा करेंगे, ज्ञान कोश की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, यदि आपको कोई समस्या कुछ पूछना है आपको, तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जो है व्हाट्सएप में जुड़िए, जो स्कूल के नाम से ग्रुप है 4th क्लास का, और आप चाहें तो यदि आप नहीं उसमें जुड़ पाए तो आप मुझे नंबर भेजिए, जो जिस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं या जिस मोबाइल से आप अपना वीडियो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी का नंबर मुझे भेजिए। मैं आपको यहाँ से जो है उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो आप जो है आप मुझसे और भी जानकारी, जो भी आपको पूछना है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आप संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, तब आगे के वीडियो में हम पाठ का अनुवाद और अभ्यास कार्यों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।